जनपद संभल के चंदोसी में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने गाड़ी पर प्रदेश महामंत्री भाजपा लिखकर घूम रहे व्यक्ति को कोतवाली पुलिस को सौंपा। इस विषय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विशाल चौहान ने बताया कि पिछले कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी पे प्रदेश महामंत्री भाजपा लिखकर थानों में प्रशासनिक अधिकारियों पर अनैतिक कार्यों को करने के लिए दबाव डाल रहा है। आज हमें सूचना मिली कि प्रदेश महामंत्री लिख की गाड़ी एसएम कॉलेज के पास खड़ी है। हम लोग मौके पर पहुंचे और गाड़ी में मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की तो वे तरह तरह के फर्जी कागज दिखाने लगा, जिसके बाद उक्त व्यक्ति को कोतवाली ले आया गया और कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया। पकड़े गए व्यक्ति के पास से एक राइफल भी मिली है। ये प्रदेश मंत्री का जो अभी आपने कोतवाली में भाजपा जिला संगठन के हमारे पदाधिकारियों को काफ़ी समय से ये सूचनाएं मिल रही थी कि एक व्यक्ति है उमा शंकर, जो अभी अंदर कोतवाली में भोला शंकर कोतवाली में बैठा है, ये प्रदेश महामंत्री भाजपा गाड़ी पर लिखकर घूमता है, होटल लगाता है और अधिकारियों पर अनैतिक कार्यों के लिए दबाव बनाता है। तो लगभग एक डेढ़ महीने से ये सूचनाएं मिल रही थी। आज हम चंदौसी में सभी हमारे ये जिला महामंत्री जी और दोनों जिला महामंत्री हमारे यहीं थे, तभी सूचना मिली कि ये व्यक्ति ऐसे कोतवाली के पास खड़ा है। तो हम सभी लोग आए और यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा था, जो इससे पूछा तो कोई भी संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाया और कुछ फर्जी कागज रखे हुए थे, एक राइफल रखी हुई थी, तो दबंगे दिखाने का प्रयास करने लगा। हम सभी लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस को सूचना देकर इन्हें बुलाया और जानकारी मिली कि ये फर्जी कार्यों के लिए ये सब लिख कर घूम रहे हैं, हमारे संगठन की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ये अभी पीछे एक प्रकरण हुआ था थाना असमोली में भी, इन्होंने थाना अध्यक्ष महोदय को फ़ोन किया कि मैं प्रदेश महामंत्री बोल रहा हूँ, सीओ संभल को भी फ़ोन किया एक अनैतिक काम के लिए। उन्होंने मुझसे वार्ता की कि आपके कोई प्रदेश महामंत्री, मैंने कहा जी हमारे संगठन का एक प्रोटोकॉल है कि प्रदेश महामंत्री डायरेक्ट फ़ोन नहीं कर सकते, आप मुझे नंबर दीजिए। मैंने बात की तो ये संदिग्ध लगे, मैंने इनसे कहा कि आप इस प्रकरण में क्यों बार बार बात कर रहे हैं। तब इनकी बात से मुझे प्रतीत हुआ कि ये गलत है। आज हम सब लोग यहाँ संघ कार्यालय पर थे, तभी सूचना मिली कि ऐसे से एक गाड़ी खड़ी है और रोज़ाना थाने पर खड़ी रहती है और कुछ मुस्लिम लोग उसमें लगातार निकलते हैं रोज़ाना था, लगभग दूसरे तीसरे दिन का वो है। हम क्योंकि मेरे संज्ञान में था तो हमने लोगों ने कहा कि चलो देखते हैं, आके इनसे बात करी तो ये पूरी तरह फर्जी है। हम सब लोगों ने इंस्पेक्टर साहब को सूचना दे के और इन्हें गिरफ्तार कराया।